अन्य सदस्य यात्रा करते हैं, और जो सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की मंशा भी थी कि भाई हाईवे पे एक्सीडेंट कम हो, इसलिए दुकान आधा किलोमीटर अंदर जाने की बात है, मगर कई किलोमीटरों पहले दुकान के बारे में जिस प्रकार से प्रचार प्रसार होता है, आप सब देखते हैं कि आपकी नज़र किधर है, ठेका इधर है, ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, क्या वो नियमानुसार है? क्या सरकार उस पर कोई कार्रवाई करना चाहती है, नहीं चाहती है, वो बिल्कुल सही है, ये बताएं आप। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि आपको विवरण पूरा दे दिया किस मापदंड के अनुसार दुकानें आवंटित करते हैं। केवल दो शिकायतें हमको मिली थी, एक चौमू की मिली थी जिसको दुकान को वहाँ से ट्रांसफ़र करवा दिया, दूसरी शिकायत एक फुलेरा की मिली थी आपकी, वो नियमानुसार सही पाई गई। और जो भी दुकानें किसी माननीय सदस्य की, एक भी शिकायत, मेरे को 1.5 साल हो गए इस विभाग को, एक भी माननीय सदस्य ने शिकायत नहीं भेजी ये दुकान गलत है सही है। तो अगर शिकायतें आएगी तो अध्यक्ष महोदय नियमानुसार कार्रवाई करेंगे, और जो भी आवंटित दुकानें करते हैं वो नियम से करते हैं, कहीं होर्डिंग वगैरह लगाते हैं उसकी भी हाईवे पे अपन सभी चलते हैं, इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स है, चाहे पेट्रोल पंप हो चाहे धार्मिक स्थल हो, तो क्या उसकी भी शिकायत आपको देनी पड़ेगी? अपना डिपार्टमेंट अपना काम नहीं करेगा? सरकार नियम अनुसार, सरकार कंप्लेन आने के बाद काम करती है सर वो नियम अनुसार सही है क्या? मैं इतना सा पूछना चाहता हूँ मंत्री जी से, जो प्रचार प्रसार कई किलोमीटर पहले करते हैं वो सही है क्या? आप बता दें सही है तो बात खत्म। इस तरह की दुकानों का, कोई शराब की दुकानों का इस तरह का प्रचार प्रसार नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे पे कहीं भी नहीं है, हम ही जाते हैं। आप ये तो शिकायत करेंगे दूर। अनिमान सदस्य, आपको जितनी जानकारी है मंत्री जी ने कहा आप कंप्लेन करो, उसमें कार्रवाई होगी।